टू माय चैनल, सो दिस इज बन्ना। तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही आसान डेली वाला एक फेस पिक शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की है डेली वाला फेक डेली के लिए एक फेस पिक बनाने के लिए। ये जो डेली वाला फेस पिक है, सबसे पहले तो ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, चाहे आपकी कोई भी स्किन हो, आप इसे यूज कर सकते हो। साथ ही साथ ये आपकी स्किन टोन को ब्राइट करेगा, आपके फेस के दाग धब्बे को हल्का करेगा, साथ ही साथ सनटेन को भी रिमूव करेगा, और आप इसको बेझिझक डेली यूज कर सकते हो। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताती हूँ कि ये फेस पिक आपको कैसे बनाना है। बट उससे पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और हाँ, उसके बाद जो एक बेल जैसा बटन है उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियोस की आप सबको जानकारी मिलती रहे। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहली जो चीज चाहिए वो है 1 टेबल स्पून जितना बेसन। बेसन एक ऐसी चीज है जो आप डेली यूज कर सकते हो। जब ये साबुन अवेलेबल नहीं था या तो साबुन मार्केट में नहीं आए थे, तब लोग बेसन से ही फेस को वॉश करते थे या तो बेसन से ही नहाते थे। तो बेसन से हमारे दाग धब्बे भी हल्के होते हैं, साथ ही साथ हमारा स्किन का जो टेक्सचर होता है वो भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे 1 टेबल स्पून जितना दही। दही से हमारी जो स्किन होती है काफ़ी निखरती है, साथ ही साथ दही से हमारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट भी होती है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे करीब 1 टेबल स्पून जितना रेडीमेड एलोवेरा जेल। आप इसमें करीब 1/2 टेबल स्पून जितना हनी भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको हनी सूट नहीं करता है तो आप वो स्किप कर सकते हो। यहाँ पर मैं हनी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने दही ऑलरेडी ऐड कर दिया है। और 1 टेबल स्पून जितना जो एलोवेरा जेल है उसको ऐड करने के बाद लास्ट में यहाँ पर करीब 1 टेबल स्पून जितना रोज़ वाटर यानी गुलाब जल ऐड करूँगी। और उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक मीडियम टाइप कंसिस्टेंसी की पेस्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो पेस्ट है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे कैसे यूज करना है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो फेस पैक है वो रेडी हो चुका है। आप इसको कोई भी टाइम यूज कर सकते हो। ऐसा यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आपको इसे मॉर्निंग में यूज करना है, आपको जब टाइम मिलता है आप यूज कर सकते हो। बट तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसको कोई भी टाइम यूज कर सकते हो। अगर आपको मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब आप ऑफिस से आते हो घर पर, या तो कॉलेज या तो स्कूल से आते हो, तब उस टाइम भी आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली ये आपकी स्किन से सारी डर्ट को निकालेगा, सारी गंदगी को निकालेगा, पोर्स को क्लीन करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, साथ ही साथ सनटेन को रिमूव करेगा। खास करके अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, तो इसमें हमने दही यूज किया है, तो इससे आपकी जो स्किन होगी काफी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मुलायम भी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हमने बेसन भी यूज़ किया है, तो बेसन से आपकी स्किन पर जितने भी दाग धब्बे होंगे वो भी लाइट होते जाएंगे, और आपकी स्किन का जो टेक्सचर होगा, लचीलापन होगा, वो भी इम्प्रूव होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ। तो ये पैक अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले फेस को थोड़ा सा पानी से गीला कर लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा पैक लेते जाना है और फेस पर हल्की सी मसाज करते जाना है। मसाज करने से हमारा फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ हमारी स्किन काफ़ी टाइट भी होती है। मसाज करने से हमारी स्किन पर एक ग्लो भी आता है, साथ ही साथ जितनी भी हमारे पोर्स में गंदगी होती है वो भी निकल जाती है। और ये जो फेस पैक है काफ़ी सॉफ्ट है, इससे आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी, साथ ही साथ आपकी स्किन पर कोई रैशेज भी नहीं आएंगे। दही हमारी स्किन पर जितनी भी गंदगी होती है या तो हमारी स्किन पर जितनी भी इम्प्यूरिटीज होती है, धूल मिट्टी होती है, उसको बाहर निकालता है। तो करीब आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए मसाज करनी है हल्के हाथों से, और उसके बाद आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लेना है। और ये पैक बहुत ही आसान, इजी और फटाफट बनने वाला पैक है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 मिनट के बाद मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, और इंस्टेंटली ये पैक से हमारे स्किन पर एक ग्लो भी आता है, साथ ही साथ हमारी स्किन काफ़ी पॉलिश भी लगती है, और हमारी स्किन अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ भी हो जाती है। तो इसका रिजल्ट आप क्लियरली मेरे फेस पर देख सकते हो। सो देखा ना आपने कि ये जो डेली वाला फेस पैक बनाना बहुत ज्यादा आसान है। आपको सारी चीजें घर पर आसानी से मिल जाएगी। आप ये जो डेली वाला फेस पैक है उसे ट्राई करना, और आपका जो फीडबैक है, आपका एक्सपीरियंस है, मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देखना बिल्कुल ना भूलना। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।